हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिया ट्रेडर। तो देखिए आज थोड़ा बहुत ये वीडियो लंबा हो सकता है, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको लास्ट तक देखिए तो आप बहुत कुछ आज सीख पाओगे। क्योंकि जनरली बोला जाता है कि 10:30 से 12:30 तक मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है, एंड प्रीमियम भी ज़्यादा डिके करता है। एंड आज तो वेडनेसडे है तो ऑब्वियसली प्रीमियम डिके करेगा, पर आज हमारा चैलेंज रहेगा दैट वी विल ट्रेड इन बिटवीन 10:30 से 12:30 के बीच हम ट्रेड लेने वाले हैं आज। अगर मिलता है, सिचुएशन मिलता है, सेटअप में आता है तो हम ट्रेड लेंगे, तब तक हम थोड़ा वेट करेंगे। देखते हैं, आज मैंने कोई सा भी ट्रेड नहीं लिया है, आप देख सकते हो। एक सेकेंड देखिए, कोई सा भी ट्रेड नहीं है आज, एक्टिव पोजीशन कोई सा नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस भी कुछ नहीं है। तो देखते हैं, अगर मेरे सेटअप में आता है, कुछ बनता है तो मैं ट्रेड ज़रूर लूँगा। एंड आपको मैं दिखाऊँगा कि 10:30 से 12:30 के बीच में भी हम ट्रेड ले सकते हैं, पर कंडीशन है कि सेटअप में आना चाहिए। तो ये कल का था, कल का हम डिलीट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जीरो है, एक्टिव पोजीशन भी जीरो है। तो देखिए आज सुबह का अच्छा खासा डाउन मोमेंटम मिला था हमें, पर एज यूजुअल मेरे कुछ अलग भी काम रहते हैं तो मैं ट्रेड नहीं ले पाया सुबह। तो मैं वेट कर रहा था। चलिए, तो ये आज का दिन का है, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे अच्छा खासा मोमेंटम चेंज हुआ है, रिवर्सल आया है यहाँ पर। तो ट्रेड हम कब लेंगे थोड़ा वो चेक करते हैं, सेटअप बनाते हैं पहले, थोड़ा सेट करते हैं। तो मतलब मार्केट तो 2-3 दिन से काफ़ी मतलब साइडवेज ही है, वोलेटाइल भी बोल सकते हो आप। ओके, एक इंडिकेटर मैं यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ पिवोट पॉइंट्स का। मैंने आपको बताया भी था, लास्ट मेरे वीडियो में बताया था पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। ज़्यादा इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करूँगा, सिंपल इग्नोर करते हैं, जो लास्ट के दिन का जो भी है इसको इग्नोर करते हैं हम अभी के लिए। ओके, तो देखिए ये कुछ का अच्छा सपोर्ट हमको दिख रहा है यहाँ पर, 43048 अच्छा एक सपोर्ट दिख रहा है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं। जनरली मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। तो देखिए सिंपल सा सेटअप हमारा है आज का। अगर सपोर्ट में यहाँ एक शूटिंग स्टार बनता है तो हम पुट की साइड जाएंगे, एंड यहाँ अगर हैमर, देखिए प्रीवियस कैंडल हैमर बना था तो यहाँ कॉल की पोजीशन में भी एंटर कर सकते हैं, पर हम थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, ये कैंडल के क्लोज होने तक वेट करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि देखिए ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेवल में क्या होगा, मार्केट एक बार ऊपर जाएगा फिर रीटेस्ट लेगा, तो रीटेस्ट में हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा ये कैंडल का हाई, रीटेस्ट होने दीजिए। रीटेस्ट में अगर ब्रेकडाउन करता है तो हम पुट की पोजिशन जाएंगे, अगर रीटेस्ट के बाद एवोव जाता है तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। अभी कॉल की पोजीशन लेना सही नहीं रहेगा, थोड़ा रिस्की रहेगा, पर हम कॉल की पोजीशन भी एंटर करके यहाँ तक टारगेट ले सकते थे, पर हम नहीं लेंगे वो। देखिए बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है जब हम ट्रेड लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आए कुछ भी से हम ट्रेड ले लें। आज मार्केट देखते तो कितना वोलेटाइल था, यहाँ ओपनिंग हुआ फिर एकदम से डाउन फिर रिवर्सल, तो इसलिए थोड़ा वेट करते हैं सेटअप तक। मैं रिटेस्ट का वेट करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ कॉल की पोजीशन में ट्रेड लेता तो शायद मैं मतलब अच्छा रहता, पर देखिए मैंने ये मिस कर दिया, मैंने ये वाला ट्रेड मिस कर दिया, तो अभी मैं यहाँ पर ऐसे ही अंधाधुंध मतलब ट्रेड नहीं ले लूँगा,
मैं रीटेस्ट का वेट करूंगा, और यहाँ ट्रेड लेता तो शायद मैं यहाँ पर एग्जिट भी कर लेता अभी। पर देखिए बहुत ही बड़ा मतलब ग्रीन कैंडल बन रहा है मार्केट, आप देख सकते हो 100 पॉइंट्स ऊपर गया सिर्फ 5 मिनट्स में। एंड यहाँ की बात करें तो 10 बजे, और आप मेरे लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है मैं 10 बजे भी एक ट्रेड लेता हूँ, पर आज कुछ काम था इसलिए मैंने मिस कर दिया, तो ये वाला मोमेंटम जो है मैंने मिस कर दिया आज, 300 पॉइंट का मोमेंटम जो था मैंने मिस कर दिया, माई बैड लक। चलिए कोई बात नहीं, एक ट्रेड तो हमको मिल ही जाएगा अभी, आई गेस मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, लास्ट तक देखिएगा। ये वाले कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे, 10:38 हुआ है, 10:40 को ये कैंडल क्लोज होगा, देखते हैं क्या बनता है। ये सपोर्ट लेवल है हमारा आज का 43036, अभी मार्केट 4300 में चल रहा है, तो हम एक लगाएंगे यहाँ पर 43200 का कॉल, 43200 का कॉल एक लगाएंगे, एंड उसके बाद 43000 का पुट, ये दो हमारा रहेगा आज के लिए, देखते हैं हम किस पे ट्रेड लेंगे। देखिए जनरली बहुत लोग क्या होता है 10:30 से 12:30 तक ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ये जो टाइम रहता है वहाँ पर मार्केट काफ़ी स्लो रहता है, एंड उसके बाद प्रीमियम भी डिके करता है, एंड आज वेडनेसडे है तो ऑब्वियसली प्रीमियम डिके करेगा। पर ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप चाहे तो ट्रेड ले सकते हो, तो कैसे लोगे, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, उसके बारे में आज का वीडियो है। थोड़ा वेट करते हैं, एक पुलबैक का वेट करेंगे हम, क्योंकि ये जो मोमेंटम है हमने मिस कर दिया था, तो ऐसे ही अभी ट्रेड नहीं लेंगे, एक पुलबैक का हम वेट करेंगे, अगर पुलबैक आता है तो हम ट्रेड लेंगे, अगर ये ऊपर के साइड में ही जा रहा है तो हम इग्नोर करेंगे, एक पुलबैक का वेट करेंगे हम। देखिए मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ अभी, मतलब हम पोजीशन क्यों नहीं लेंगे, देखिए अगर यहाँ पर हम पोजीशन लेंगे कॉल की साइड, तो देखिए कॉल का प्रीमियम चल रहा है 43200 का कॉल का प्रीमियम चल रहा है 160 के आसपास, तो मार्केट अगर बढ़ेगा भी तो ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, एंड अगर बाय चांस मार्केट नीचे जाता है तो आपका प्रीमियम जो है एकदम से घट जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा वेट कर लेते हैं। अगर आपने मोमेंटम मिस कर दिया है तो ऐसा हड़बड़ी में आपको ट्रेड नहीं लेना है, हमको वेट करना है। हम कब ट्रेड ले सकते हैं, एक पुलबैक के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं, अगर यहाँ कहीं आता है तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। देखिए अच्छा खासा पुलबैक हमको मिल रहा है यहाँ पर, पर ये पुलबैक का भी हम वेट करेंगे, क्योंकि ये भी एक इंडिकेशन है जिसको बियरिश हरामी कहा जाता है, आपने सुना होगा बियरिश हरामी, तो अगर वैसा वाला कैंडल कुछ बनता है तो हम इग्नोर करेंगे कॉल की साइड, थोड़ा वेट करते हैं। देखिए शेयर मार्केट का मेन रूल यही है कि आपको मतलब ऐसे ही ट्रेड नहीं लेना है, आपको अपने जब सेटअप में आएगा तभी आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पर देखिए 15 मिनट्स के चार्ट में यहाँ पर बहुत ही अच्छा हैमर बना था, पर हमने ये वाला मिस कर दिया, कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, बस सही अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे हम। देखिए प्रॉपर पुलबैक, मार्केट गया ऊपर फिर पुलबैक, तो अभी हम देखिए 148 आ गया, थोड़ा हम प्रिपेयर हो जाते हैं, 200 क्वांटिटी लेंगे हम, चलिए थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं इस बार, है हमारे पास कैपिटल 50,000 का कैपिटल है, तो थोड़ा एक अच्छा पुलबैक आता तो अच्छा रहता। 1242 अराउंड 1044 में हम एंट्री करेंगे, 1042 हुआ है, 1044 के आसपास हम एंटर करेंगे मार्केट में,
नेक्स्ट कैंडल का भी वेट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर पुट की पोजीशन भी सही रहेगी। सेम जितना पॉइंट ऊपर चढ़ा था आसपास उतना पॉइंट गिर रहा है, पर कोई बात नहीं। देखिए प्रीमियम आप देख सकते हो 141 हो चुका है, 160 से 141, तो चलिए 300 का ले सकते हम। फिर से 148 149, थोड़ा वेट करते हैं, 142 और आता है तो हम ले लेंगे। 145 144 145 146 143 144 141 142, ओके लेट्स गो। तो 142 में हमने लिया एंट्री प्राइस जो हमारा है 142 का है, 42600 हमारा इन्वेस्टमेंट है। स्टॉप लॉस आपको बता देता हूँ मैं, अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है एंड सस्टेन करता है तो हम ट्रेड से हट जाएंगे, या फिर 43000 को ब्रेक करता है तो भी हम हट जाएंगे। टारगेट ऑब्वियसली यही रहने वाला है, 43287 का टारगेट रहने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम दो टारगेट यूज़ करेंगे, एक तो है 43287, या फिर अगर मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट में 10% भी मिलता है तो मैं एग्जिट कर लूँगा। 142 में मैंने परचेज किया तो अराउंड 160 मैं ट्रेड को क्लोज करूँगा, एक तो वो हो गया टारगेट, या फिर उसके बाद मैं स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है मेरे पास कितना टाइम है एंड मोमेंटम कैसा रहता है, और मोमेंटम स्लो है तो मैं 10% प्रॉफिट में एग्जिट कर लूँगा, और मोमेंटम थोड़ा स्पीड है तो मैं टारगेट तक वेट करूँगा। कोई बात नहीं, इसको क्लोज होने दीजिए, 1044 हुआ है। देखिए मैं ये ऐसे सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, फिर रिटेस्ट, फिर मार्केट बूम ऊपर जाएगा, ये मेरा लॉजिक है। आप देख सकते हो अभी मेरा लॉस ही चल रहा है, 2000 के आसपास लॉस चल रहा है। स्टॉप लॉस एज सिंपल 43000 का मेरा स्टॉप लॉस है, 43000 को ब्रेक करता है तो मैं मार्केट से हट जाऊंगा, जितना लॉस होता है उसके बाद मैं हट जाऊंगा, या फिर अगर ये भी कैंडल रेड बनता है तो भी थोड़ा डर लग सकता है हमें। ओके कोई बात नहीं, 15 मिनट्स में आप देख सकते हो यहाँ पर एक मतलब डाउनवर्ड कैंडल बना है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। अच्छा खासा मतलब देखिए आप देख सकते हो कितना मतलब मार्केट वोलेटाइल है। आप आई गेस 8000 का लॉस ऑलरेडी हो चुका है आज हमें। 43000 ब्रेक करने वाला है, 43000 ब्रेक करता है तो हम हट जाएंगे, इरेस्पेक्टिव वो हमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है कुछ भी होता है, एंड आई गेस हमें हट जाना चाहिए। एक बार 15 मिनट चेक करते हैं। ओके देखिए मार्केट आपको कभी कभी ट्रैप भी कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर अप मोमेंटम मिला सपोर्ट के आसपास, अप मोमेंटम मिला मार्केट नीचे आया रिटेस्ट के लिए, फिर इसको ऊपर जाना चाहिए था एज पर द रूल्स, पर ब्रेकडाउन करके फिर से नीचे जा रहा है। 7000 के आसपास लॉस है आज का, मैंने 142 में परचेज किया था इसको, एंट्री किया था 142 में, एंड अभी 120 के आसपास चल रहा है। दस बार आ जाकर लॉस भी हो सकता है मुझे आज। दो तीन दिन से प्रॉफिट हो रहा था पर आज देखिए फिर से सपोर्ट के पास एक हैमर कैंडल बनाने की ट्राई कर रहा है मार्केट, पर बना नहीं पा रहा है।
मार्केट सपोर्ट से अब जाने की कोशिश तो कर रहा है पर जा नहीं पा रहा है। तो ये कैंडल देखिए 1047 हुआ है, 1050 तक हम वेट करेंगे। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज होता है तो हम एग्जिट करेंगे, अगर ये कैंडल कुछ हैमर टाइप का बनता है तो हम बने रहेंगे ट्रेड में। देखिए कैसे 7000 लॉस चल रहा था एंड अभी 4000 के आसपास आ चुका है। ओके एक बार हम थोड़ा पीसीआर भी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी मैक्स पेन 43,000 है, पीसीआर नेगेटिव मतलब 0.68। पीसीआर भी नेगेटिव दिख रहा है मतलब 0.6, मतलब पुट की पोजीशन सही रहेगी आई गेस। 1050 तक वेट करते हैं, देखते हैं ये कौन सा कैंडल बनता है। अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा एंड अगर रेड में ही क्लोज होता है तो हम एग्जिट करेंगे चाहे लॉस हो कुछ भी हो, सिंपल है लॉजिक एकदम सिंपल। देखिए ऐसा नहीं है मैं मेरे वीडियो में सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बताता हूँ, मैं लॉस के बारे में बताता हूँ कि कैसे आपका लॉस हो सकता है एंड आई कैन गारंटी यू दैट ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है जिसका मतलब हर दिन प्रॉफिट ही हो। प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहता है पर ओवरऑली मंथली हमको लॉस नहीं करना है, मंथली रिजल्ट जो हमारा है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मंडे ट्यूसडे दोनों दिन मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ था, वेनेसडे थोड़ा लॉस हो रहा है और ये वाला ट्रेड मेरा लॉस होता है तो अभी मैं ट्रेड बंद करूँगा एंड 1220 को फिर से मैं आऊँगा, सॉरी 220 को मैं फिर से आऊँगा ट्रेड लेने। कॉस्ट टू कॉस्ट में मैं निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे आज कोई कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है यहाँ मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखिए इसको आप हैमर कैंडल नहीं बोल सकते क्योंकि ये रेड में क्लोज हुआ है, बहुत कोई इसे हैमर कैंडल सोचते हैं पर ये हैमर कैंडल नहीं है, ये हैमर कैंडल है पर क्या ये नेगेटिव हैमर कैंडल है जो बायर्स के लिए एक एनिमिक की जैसे काम करता है। मार्केट का आज कोई ठिकाना नहीं है, एक मोमेंटम ये देखिए मोमेंटम तो था, सुबह एक डाउनवर्ड मोमेंटम आया उसके बाद एकदम से ऊपर गया फिर पुल बैक, फिर देखते हैं सपोर्ट से मतलब अगर लेता है पुल बैक तो अच्छा रहेगा, वेट करेंगे थोड़ा। यहाँ आप देख सकते हो 1500 का लॉस है, 7000 से 1500 के आसपास आ गया, अगेन 1500 से 3000 बस चुटकी में। और आप देख सकते हो कैसे मार्केट चेंज करता है अपना बिहेवियर, वही मैं बोला था प्रीमियम डीके की बात कर रहा था। हमने एंट्री लिया था 1043 को, ठीक है 1043 मतलब यहीं के ही हमने एंट्री लिया था एंड मार्केट उसके पास भी आया फिर भी प्रीमियम जो है हमारा उतना नहीं था। ये वाला कैंडल हमारा फेड मतलब हमारा लक डिसाइड करने वाला, और 140 तक आता है तो भी मैं एग्जिट कर लूँगा या फिर 100 का स्टॉप लॉस रहेगा, 40 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा आज के लिए। हमने यहीं पर कहीं एंट्री लिया था,
आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। देखिए अभी क्या स्टॉप लॉस को मैंने थोड़ा ऊपर कर लिया, मतलब 43020 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट कुछ भी रह सकता है, डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर, मैं कितना देर ट्रेड करना चाहता हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है आज का टारगेट। आप देख सकते हो मार्केट जहाँ पर हमने एंट्री लिया था आसपास वहाँ आ चुका है, फिर भी प्रीमियम में डिफरेंस आप देख सकते हो, प्रीमियम में अभी 7-8 पॉइंट का डिफरेंस आ चुका है। तो यही मैं बात कर रहा था पहले प्रीमियम डीके का। वेनेसडे है विद द 10:30 to 12:30 का टाइम है, तो इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके करता है। थोड़ा ग्लोबल मार्केट भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, निफ्टी में मैं इतना ट्रेड नहीं करता। एक बार मैं घबरा भी नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट स्केयर्ड टू स्पीक ऑफ दिस, कि मैंने एक बार फिन निफ्टी में भी ट्रेड किया था जहाँ पर मुझे हैवी लॉस हुआ। तो जो चीज़ आपको पता नहीं है उसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैं बहुत दिनों से बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहा हूँ इसलिए मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, मैं यहाँ वहाँ हाथ नहीं मारता, ना ही मैं स्टॉक्स में मतलब ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट अलग बात है। बहुत ही मतलब ये जो सपोर्ट है रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट सपोर्ट को, छोटा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड है 1:1.5 का। आई गेस 12,500। ओके लेट्स एग्जिट द ट्रेड हियर। देखिए मैं 120 में क्लोज करने का सोच रहा था पर एकदम से 120 से 126 तक चले गया मार्केट, 127। ओके मार्केट पता नहीं ऐसा बार बार क्यों करता है। देखिए यहां मेरा स्टॉप लॉस था एग्जैक्टली स्टॉप लॉस के पास आके मार्केट एक अप मूवमेंट, मैं एग्जिट करने वाला था पर जैसे ही मैं एग्जिट कर रहा हूं मैं यहां पर देख पा रहा हूं जो हमारा प्राइस है प्रीमियम का वो भी बढ़ रहा है, 126-127 तक गया था, 121-122-123 स्टॉप। देखिए आपको ट्रेड से कब हटना है, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है तब आपको नहीं हटना है, स्टॉप लॉस को अगर हिट करके थोड़ा बहुत सस्टेन करता है तब हम हटेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस को हिट करते ही हम हट जाएंगे, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, हर एक मेरे वीडियो में बोलता हूँ कि सस्टेन करने दीजिए, वेट वेट कीजिए कैंडल के क्लोज होने का। क्यों? देखिए ये एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल है,
यहाँ से कुछ भी हो सकता है। मार्केट अगर सपोर्ट को अच्छा खासा ब्रेक करके सस्टेन करता है तो पुट साइड में अच्छा खासा पैसा बनने वाला है, एंड मार्केट अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम मोमेंटम को राइड कर सकते हैं, कॉल की साइड पोजिशन ले सकते हैं। एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल में मार्केट जो आज ट्रेड कर रहे हैं। फिर से 120 तक आ चुका है प्रीमियम का प्राइस, 1058 हो चुका है। ओके, कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे। कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे हम। वन मिनट मोर, बस वन मिनट मोर। छह हजार का लॉस, ओके। हैवी ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस का। ओके, लेट्स एग्जिट, जो भी लॉस है इट्स ओके। क्या करें क्या करें, अगेन स्टॉप लॉस हिट किया, एंड यहाँ देखिए मार्केट अगेन ट्राइंग टू गो अप। देखिए ये वाला ग्रीन बना था, उसके बाद रेड बना, जिसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी, तो यहाँ से सॉरी बेयरिश हरामी, तो मतलब नीचे जाना चाहिए था, पर अगेन यहाँ से वो फिर से मार्केट कोशिश कर रहा है। ये जो रिजेक्शन वो फेस कर रहा था, मार्केट रिजेक्शन को फिर से रिजेक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आई डोंट थिंक अभी एग्जिट करना सही रहेगा, तो हम थोड़ा और वेट करते हैं। 11 भी बज चुका है। अगर ये कैंडल भी रेड बनता है तो हम 100% एग्जिट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं एग्जिट करने का सोच रहा था, पर जैसे ही मैंने एग्जिट करने का ट्राई किया, मैंने मतलब सेल ऑर्डर भी मतलब जस्ट प्रेस कर रहा था, तभी प्रीमियम बढ़ने लगा। तो मैं थोड़ा चेक किया तो यहाँ पर ग्रीन बन रहा है, और सपोर्ट में शूटिंग स्टार बनता है तो मार्केट गारंटी डाउन जाएगा। ट्रेड चेंज करते हैं हम, यहाँ एग्जिट करते हैं आई गेस। ओके, चलो अगर ब्रेक करता है तो हम एग्जिट कर लेंगे। 115 ओके, लेट्स एग्जिट, लेट्स एग्जिट। तो 8000 का लॉस है, 8166। तो इस कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे, इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे, एंड मे बी उसके बाद एक ट्रेड ले सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है।
और ये शूटिंग स्टार बनता है यहाँ पर, तो मैं अगेन हम पुट की साइड जाएंगे, वेट, पुट का प्रीमियम देख सकते हो अराउंड 169, 168, 43,000 का जो पुट है। देखिए 43,000 मतलब जो राउंड लेवल रहता है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहता है, वहाँ पर ऑब्वियसली वोलेटाइल रहता है मार्केट, क्योंकि जो बियर्स है वो कोशिश करते हैं कि वो 43,000 के नीचे आए, बुल्स जो है वो कोशिश करते हैं कि वो 43,000 को ब्रेक करके कैसे एक एवो मोमेंटम ले। तो 43,000 जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहता है। लेट्स वेट अगेन। देखिए यहाँ एक बियरिश हरामी बन रहा है, सॉरी बुलिश हरामी बन रहा है, वी मे एंटर इन कॉल साइड अगेन। पर इस बार 43,200, ठीक है 43,200 में एंट्री कर सकते हैं फिर से। पोजीशन में थोड़ा कम लूंगा अभी और मैं एंटर करता हूं तो लेट द कैंडल क्लोज उसके बाद हम अपना एंट्री जो है डिसाइड करेंगे। ओके लेट्स गो फॉर ए, अरे यार मैं कॉल की पोजीशन लेने का सोच ही रहा था कि अभी मार्केट जो है फिर से रेड, काफी वोलेटाइल। देखिए मैं ये लाइन देख रहा हूँ, आप चाहे तो कैंडल के हिसाब से भी ले सकते हो, अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मुझे जो सही लगता है मैं उसके हिसाब से करता हूँ। ओके मैं यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन फिर से लेने वाला हूँ आप लोग के सामने, अपना मेरा कुछ रीजन है। चलिए 30,000 में, 36,000 में अफोर्ड कर सकते हैं, तो लेट्स बाय अगेन। हमने एंट्री किया अभी 121.90 में हमने एंट्री किया, ठीक है। एंड कुछ देर ऐसे ही अभी ये पोजीशन हम होल्ड करने वाले हैं कुछ देर तक, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, आप देख लेना जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो क्योंकि ये पोजीशन हम होल्ड करेंगे एंड उसके बाद मेरे को थोड़ा सा काम है, तो 10 मिनट्स तक मैं वो काम ख़त्म करके आता हूँ। एंड लेट दिस कंटिन्यू, लेट दिस कंटिन्यू। चलिए ओके गाइस, मतलब थोड़ा बिजी रह गया था 5 मिनट के लिए। देखिए मार्केट मतलब बहुत हलचल भी कर चुका है, तब तक एक अप का मोमेंटम मिला फिर नीचे आ गया, तब मैं अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं शायद एग्जिट भी कर लेता, कोई बात नहीं। ये अराउंड 140 तक गया था, आपने शायद देखा होगा 5,000 का यहाँ प्रॉफिट भी दिख रहा था।
इसको भी मैंने एग्जिट कर दिया लॉस पे। मैं फटाक से बैठूंगा यहाँ पर, थोड़ा अपना क्वांटिटी बढ़ाएंगे यहाँ पर, कैपिटल में थोड़ा यूज कर रहा हूँ ज़्यादा, थोड़ा कैपिटल मैंने बढ़ाया यहाँ पर मेरा। 170 में हमने एंट्री लिया, 43,000 पीई में, एंड लेते ही आप देख सकते हो क्या बताएं, मार्केट नीचे जा रहा था, जैसे ही मैंने एंट्री लिया मार्केट फिर से हैमर कैंडल। होता है कोई बात नहीं। देखिए ये ट्रेड लेने का मेरा लॉजिक यही था क्योंकि मार्केट बार बार जो है ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है पर रिजेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है पर रिजेक्शन फेस कर रहा है, एंड यही इसीलिए मैंने ये ट्रेड लिया था। एंड क्वांटिटी मैंने थोड़ा बढ़ाया क्योंकि देखिए जनरली मैं 50,000 में ट्रेड करता हूँ, पर लॉस थोड़ा हुआ था तो उसको रिकवर करने के लिए मैंने क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाया। एंड जैसे ही मैंने क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाया आप देख सकते हो 170 से एकदम 150 9,000 रुपये का लॉस। चलिए वेट, लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। ये मैं क्यों किया, क्या किया उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर आप मेरा लॉस देख सकते हो 12,000 का लॉस इस ट्रेड में। 170 में हमने एंट्री किया था, 140 तो ये तीन ट्रेड ऑलरेडी, मतलब ये तीसरा ट्रेड है आज का। आपको पता ही होगा कि मैं तीन ट्रेड से ज़्यादा करता नहीं हूँ, पर आज ऑलरेडी अभी तीन ट्रेड हो चुका है। नेक्स्ट ट्रेड हमारा रहने वाला है 220 को, देखिए यहाँ हमने 115 में इसको सेल किया था, 133 चल रहा है, यहाँ पर 110 में किया था वो भी 133 चल रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है आप सेल करने के बाद जो है मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, आज मेरे साथ कुछ वैसे ही हुआ। तो देखिए यही होता है कभी कभी, जब एक पोजीशन आपका रॉन्ग चले जाता है, एक ट्रेड आपका रॉन्ग चले जाता है, तो आपका जो कैपिटल रहता है उसका 50% आप एक ही दिन में गवा देते हो, जैसे आज मैंने गवाया है। और आज की बात करें तो आज मेरा जो इन्वेस्टमेंट है 76, मतलब मान लीजिए 80,000 के आसपास जो है आज मेरा इन्वेस्टमेंट था, एंड 80,000 में आप देखते हो अराउंड 30,000 का मुझे लॉस हो रहा है, 30,000 का लॉस एक ही दिन में आसपास 50% आपका जो है वाइप आउट हो सकता है, जैसे आज मेरा हुआ। ओके, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, अगर डबल टॉप यहाँ फॉर्म करके नीचे आते हैं, यहाँ पर एक रखेंगे अपना, जो है आज मेरा यही बनेगा, एंड आई एम थिंकिंग दैट अभी डबल टॉप यहाँ से बना के मार्केट रिवर्सल आ सकता है, उसी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ।
अगर नहीं बनता तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज एक गाना गाने का भी मन कर रहा है मुझे। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ लेकिन चलता है। शेयर मार्केट आपको देख के संभल के करना पड़ेगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आपको रेडी रहना पड़ेगा कि आज आप कितना लूज कर सकते हो। तो देखिए, ये जो मैंने एक लाइन यहाँ पर खींचा हुआ है, ये जस्ट मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से डबल टॉप बना के नीचे आ सकता है, मैं बस सोच रहा हूँ। और अगर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाता, इसको ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करता है, तो जितना भी लॉस हो, कुछ भी हो, आई विल एग्जिट। एंड आज के लिए ट्रेडिंग मेरा बंद रहेगा। 220 को मैं फिर से आऊँगा, ऑलरेडी 30,000 के आसपास लॉस चल रहा है। तो देखिए, होते रहता है लॉस, प्रॉफिट होते रहता है। पर इस बार लॉस थोड़ा ज्यादा हो गया, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत कोई बोलते हैं ये भी एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, आपको पता होगा, बहुत कोई तो बोलते हैं इनवर्स कप एंड हैंडल। ये अपना कप है, ये इसका हैंडल है, इनवर्स कप एंड हैंडल। तो मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है, बूम। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं।
तो इसी चीज का वेट कर रहा था। अब देखते हैं 40,000 के आसपास लॉस चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल करता है तो मैं पोजीशन ऐड करूँगा, या फिर अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो मैं पोजीशन एग्जिट करूँगा। यूजुअली डबल टॉप बनने के बाद अगर रिवर्सल आता है तो अच्छा खासा मोमेंट हमको मिल सकता है, या फिर अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता तो मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम पोजीशन एग्जिट करेंगे एंड ट्रेड नहीं करेंगे। काफ़ी हैवी लॉस हो चुका है, 40,000 के अराउंड लॉस चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है 40,000। क्योंकि देखिए जो हमारा कैपिटल था उसका हमने हाफ अराउंड लूज कर चुका है ऑलरेडी। इस कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे। ये जो बार बार लाइन का यूज कर रहा हूं वो इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर एक प्रॉपर मिलता है हमें। इसमें कैंडल में क्या होता है, कैंडल में वीक, ये जो वीक होता है कैंडल क्लोज होने वाला है। कोई फायदा नहीं है वेट करके।33,000 का लॉस इस ट्रेड में, 45,000 का लॉस आज के दिन, विद इन वन आवर हमारा जो भी कैपिटल था उसका हाफ हो चुका है। तो जो हमारा लॉजिक था वो आज फेल हुआ। चलिए मिलते हैं आपको 2:20 में, हम और एक ट्रेड लेंगे। चलिए, टिल देन हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल।